हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप लोग? आज हम लोग का व्लॉग फिर से होने वाला है और अभी जस्ट मैं उठा हूँ और मैं बस ऐसे झूले पे बैठा हूँ ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। और पूरी रात बहुत गर्मी लगी गाइस, और अभी बस ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए मैं यहाँ पे झूले पे बैठा हूँ और देखते हैं आगे होता है क्या। हाँ तो गाइस, मुझे ऐसे वेले बैठे बैठे झूले पे बैठे हुए मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और पवन भी चली गई है। तो मैं जाता हूँ मस्त क्विक एक सावर लेने और मिलता हूँ उसके बाद। तो हाँ गाइस, मैं आ चुका हूँ क्विकली सावर लेके और मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी है। ऐसे कुछ खास नहीं है लेकिन मुझे ये टी शर्ट बहुत पसंद है तो मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी है। और मेरे बाल ऐसे ही जंगली की तरह ही है तो कुछ माइंड मत करना, वो ऐसे ही रहेंगे कुछ भी कर लो। तो ये मेरे बाल। हाँ तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टेरेस पे और देखिए बादल बहुत अच्छे और धूप है, लेकिन धूप के साथ में पवन भी आ रही है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आ गए, चलते हैं नीचे। आ गए हम लोग नीचे। तो चलिए गाइस, आप लोग को मैं दिखाता हूँ ऑफिस। अभी मैं चला रहा हूँ ऑफिस और पूरा डार्क हो गया है। हाँ तो वापस से हो गया है चला। और ये हाँ ये बारिश की वजह से टूट गया था गाइस। ये है POB। डैम, चलते हैं ऑफिस। बन और बहुत ज़्यादा धूप है तो चलिए। आ चुके हैं हम लोग ऑफिस में और ऑफिस का हाल बिल्कुल ही बेहाल है। देखिए सब कुछ बिखरा हुआ है, कचरा। तो जल्दी से करते हैं इसकी क्लीनिंग, देखिए आप लोग भी। हाँ तो फटाफट से करते हैं क्लीनिंग। हाँ तो हो चुकी है क्विकली सफाई, देख लीजिए आप लोग। ऑल डन, क्लीन सोफा क्लीन हो चुका है बिल्कुल ही, सब कुछ साफ क्लियर, सब सबकी जगह पे। और ये है हम लोग का छोटा सा टीवी और ये हमारा बेहतरीन ठंड कूल हवा देने वाला टावर फैन। हाँ तो देखिए आप लोग ने कही इतनी क्विक वाली सफाई नहीं देखी होगी, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। कौन वारिस मलिक। और फैन चालू हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हम लोग का टीवी भी स्टार्ट है। तो चलिए चलाते हैं बेहतरीन म्यूज़िक, लेकिन आप लोग को मैं नहीं सुना सकता म्यूज़िक क्योंकि आ जाएगा कॉपीराइट। तो चलिए देख तो लीजिए, सुन नहीं सकते तो क्या हुआ। अभी जस्ट मैंने खाना खाया है गाइस और ये हमारे जो प्यारे से लव बर्ड्स, इनका भी टाइम हो गया था खाना, तो मैंने अभी जस्ट उन्हें पानी ये खाना दे दिया है और ये दोनों बहुत हैप्पी है। तो गाइस अभी अभी मैं आया हूँ फिर से घर।
घर पे और इट्स टाइम फॉर मी ग्रिल्स। सो मैं आप लोग को दिखाता हूँ मेरी रील्स बनाने का सेटअप। सो हाँ गाइस, ये है मेरी टूटी हुई रिंग लाइट, ये मेरा ट्राइपॉड जो टूटा है, और ये मेरा कैमरा, देन ये मेरी अभी फिलहाल के लिए है मेरा स्टैंड, और ये रही मेरी राजा महाराजा वाली कुर्सी, और यहाँ पे शूट होती है मेरी रील्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रील्स बनाना, आप लोग भी देखिए कैसे बनती है मेरी रील्स। और हाँ, यहाँ पे गाइस मेंशन हो रही है मेरी रील्स यानी कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो जल्दी से जाके फॉलो करो और रील्स देखना भूलना मत। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब करने के लिए यार, वो भी करना, हाँ बता रहा हूँ। सो गाइस, पहले हम लोग सर्च कर लेंगे कोई बेहतरीन सा सॉन्ग और उसके बाद करेंगे रील्स बनाना स्टार्ट। ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, आई थिंक इस पर बनानी चाहिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसी पे। सॉन्ग तो हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया है, अब बस चेंज करो, हेयर थोड़े सेट करो और बनाते हैं वीडियो, आप लोग भी देखिए मेरे साथ। तो यहाँ पे चेंज हो चुकी है गाइस, चेंज हो चुकी है मेरी टी शर्ट और अभी हेयर करने बाकी है, देखिए आप लोग। इट्स माय ड्रायर एंड देन माय कॉम, लेट्स स्टार्ट इट फॉर द हेयर स्टाइल। सो गाइस, हेयर थोड़े से सेट हो चुके हैं मेरे और बस ये कुछ ही देर के लिए हो गए। हाँ, ये मेरे बाल इतने स्मूथ है कि वो रहते ही नहीं है कभी भी। तो हेयर हो गए सेट और थोड़ी सी एक्सेसरीज हम लोग कर ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। गाइस, हम लोग ने ले लिए दो चीज़ें और साथ में ये वाली चेन। सो ऑल सेट ले लिया है हम लोग ने फोन और स्टार्ट करते हैं अब रील्स बनाना। पीछे से बहुत ज़्यादा उजाला आ रहा है, मैं डोर बंद करके आता हूँ।
तो गाइस बन चुके मेरे रील्स बहुत बेहतरीन, तो इंस्टाग्राम की आईडी देख लेना यहीं पे जाके जल्दी से, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी भूलना मत, और आप लोग से बातचीत कर लेता हूँ मैं दूसरे फोन से। तो अभी शूट हो रहा था गाइस, ये फ़ोन से व्लॉग बन रहा था, आप लोग ने अभी जो देखा रील्स वाला वो, और रील्स बहुत ही बेहतरीन बन चुकी है, तो आप लोग इंस्टा पे जाके ज़रूर से देख लेना। और ये फ़ोन है गाइस, ये मेरा पुराना फ़ोन है वो सैमसंग J6 Plus, और अभी जो मैंने नया लिया है अभी उससे व्लॉग हो रहा है और रील्स भी उसी से बन रही थी, तो देख लेना रील्स मेरी। और गाइस वैसे आज के व्लॉग में कुछ खास तो था ही नहीं, बस मैंने ही अकेले ने बकबक किए, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस व्लॉग में कमेंट्स में जाके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको क्या चाहिए, तो नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग वो चीज़ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और हो सकेगा तो वो चीज़ ज़रूर ज़रूर करेंगे ही। हाँ तो कॉमेंट करना ज़रूर भूलना बिल्कुल भी मत, और लाइक शेयर बिल्कुल से बिल्कुल कर ही देना यार, और YouTube पे सब्सक्राइब करना भूलना मत गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करेंगे तभी मुझे आगे की वीडियो मोटिवेट मिलेगा, तो हाँ आप लोग ज़रूर कर लेना। और बहुत गर्मी है गाइस, ये देखो मैं पूरा पसीने से भीग गया, तो चेंज करते फिर से आते अपने वही पुराने वाले लुक में, और क्या बताऊँ अभी आप लुक को मैं। हाँ सो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो जान लीजिए आप लोग मेरे बारे में, मेरा नाम है वारिस मलिक, और आप लोग मुझे YouTube पे ज़रूर सपोर्ट करिएगा गाइस, आप लोग बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट तो करते ही हो, लेकिन नया मेंबर कोई आ रहा हो तो उसे सपोर्ट करना चाहिए गाइस, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही कोई ऊपर आ सकेगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं भी ऊपर आ सकूँगा, तो जो कुछ भी हो सिर्फ आप लोग हो। क्या मैं कब से इसके साथ में हाथ में लेके रखा हूँ, तो हाँ गाइस आप लोग सपोर्ट करना भूलना मत, ज़रूर करना यार भूलना मत, सही ना। और ये देखिए गाइस मेरे हेयर पूरे ख़राब हो चुके हैं, अभी मैं जस्ट थोड़े भी ये देख लो, ये रह गए नहीं, ये इससे कुछ भी कर लो, ये ऐसे ही है बिल्कुल जंगली टाइप, बिल्कुल स्मूथ है, और इसमें क्या है कि जिसके बाल स्मूथ होते हैं सिल्की होते हैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद होते, वैसा ही हाल मेरे साथ भी है, स्मूथ है सिल्की है तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे वो बिल्कुल हैवी वाले मतलब कट बाल होते हैं ना, वो मतलब ऐसे करो तो ऐसे जाएंगे, ऐसे करो तो ऐसे जाएगी, उस टाइप के बाल पसंद है, लेकिन मेरे पास ये है, तो कोई नहीं गाइस हम इसी में अभी खुश रहते हैं। तो गाइस हम लोग ने रील शूट कर ली और आ गए हम लोग फिर से अपने वही पुराने वाले लुक में, और भी टाइम हो रहा है देख सकते हो आप, ये डीपी देखना है जल्दी, ये वॉलपेपर देखना गाइस आप लोग, ये वॉलपेपर कैसा लगा गाइस आप लोग को जरूर बताना। हाँ तो अब क्या करें बोलो, बताओ क्या करना है, देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा जरूर बताऊंगा मैं आप लोग को। हाँ तो गाइस सुबह से लेके हो चुकी है शाम, और बस आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही, कुछ ज़्यादा खास मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन आप लोग इस ब्लॉग के कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में क्या चीज़ देखनी पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं वो चीज़ करने की ट्राई करूँगा,
और अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो गाइस तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।